हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आई होप सब ठीक होगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, ड्रेनेज सिस्टम। मतलब सबसे ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर, जो मेरे को लगता है और शायद आपको भी लगेगा, है ना, ड्रेनेज सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपनी सारी भारत की नदियों के बारे में, है ना। नदी जैसे हम लोग कितना घूमने जाते हैं ना, कि कोई ऋषिकेश जाता है, कोई हरिद्वार जाता है गंगा नहाने, है ना। हम पहाड़ों पे जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं, व्यू के लिए जाते हैं ना। व्यू नदियों पहाड़ों कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना देखने में। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के, कि कौन से शहरों से होके नदियाँ गुजरती हैं। वैसे भी हमारे भारत में नदियाँ अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर हैं, है ना। कि जैसे आपने सुना होगा अपने यूपी में वाराणसी, है ना। मतलब अपने आप में इतनी बड़ी संस्कृति है ना, तो उसको देखने में, उसको जानने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ड्रेनेज क्या होता है, इसमें हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसमें हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं, और स्टेजेस ऑफ रिवर के बारे में जानेंगे। स्टेजेस ऑफ रिवर के बाद इसमें ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। और स्टेजेस ऑफ रिवर में हम पढ़ेंगे जैसे नदियों की भी एक स्टेजेस होती हैं। जैसे हमारा स्टेज होता है ना बचपन, फिर यूथ, फिर ओल्ड एज में चले जाते हैं हम, ऐसी सेम रिवर होती हैं। पहले यूथ स्टेज में होती हैं, फिर मैच्योर स्टेज में जाती हैं, फिर ओल्ड स्टेज में जाती हैं। हम ये आगे कवर करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम और ड्रेनेज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है तो आपके इलाके में क्या होता है, पानी भर जाता होगा, सभी के इलाके में पानी भरता होगा, है ना। तो जैसे रोडों पे पानी बहते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रोडों पे एक पानी बह रहा है तो वो क्या है, एक तरीके से ड्रेनेज ही तो है। नाले हैं वो क्या है, एक तरीके से ड्रेनेज ही तो है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, नदियों के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो एक तरीके से ड्रेनेज क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रेनेज। जैसे मैं बताऊँ, ये एक नॉर्मल रिवर है, ये क्या है, ये रिवर माउंटेन से निकल रही है और यहाँ सी में जाके मिल जाती है ना, तो ये क्या है, ये है ड्रेनेज। एक वेल डिफाइंड चैनल फॉलो कर रही है, तो ये हो गया ड्रेनेज। अब इसी में हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। तो हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि बहुत सी रिवर्स हैं, है ना, जैसे कि ये आके इसमें मिल रही है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ये मेन रिवर है, इसमें बहुत सी आके रिवर मिलती हैं तो उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो पूरा है ये सिस्टम, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे मैं एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाते हैं जल्दी से, उस पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने गंगा रिवर का। जैसे मैप में जल्दी जल्दी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए। जैसे अपनी गंगा रिवर है वो उत्तराखंड से निकलती है, यूपी बिहार होती है, वेस्ट बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अब इसमें क्या है, ये होगी, क्या हो गया, ये ड्रेनेज हो गया। अब इसमें यमुना रिवर भी है, प्रयागराज में आके मिल जाती है, है ना, कोई चंबल है इसमें आके मिल जाती है। तो ये जितनी भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये गंगा रिवर की, और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो ये क्या है, पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि जो मतलब इनका ये पूरा नेटवर्क हो गया ना, जैसे नेटवर्क फैला, जैसे मेन रिवर थी उसके कितने सारे नेटवर्क फैले हुए हैं, तो उन्हीं सबको मिला के क्या हो गया, वो होगा ड्रेनेज सिस्टम। अब हम इसमें पढ़ेंगे, आशा करता हूँ ये तो समझ आ गया होगा, है ना, व्हाट इज ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि हाँ, हमने एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी तो शायद सबकी डिश लगी है, जैसे वायर्स होते हैं ना, मेन वायर होती है लाइट वाली, उससे सब लोगों के घर घर जाती है। तो जो मेन वायर है उसको मान लो ड्रेनेज है, वो रिवर है मेन रिवर। उसके बाद क्या, हम अपने घर में मीटर के लिए लेके आते हैं ना, पड़ोसियों के लिए भी अलग तार आती है खंबे से, फिर उस, तो वो जो नेटवर्क जो फैलता है उस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। अब हम सिस्टम वर्ड बहुत आ रहा है ना, वैसे भी यूट्यूब पे बहुत चल रहा है सिस्टम, है ना। तो ठीक है, ये कवर कर लिया हमने ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में।
तो अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न, कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको कोई भी काम दूँ, जैसे कुछ भी काम दे लो, तो आप कोई ना कोई तो पैटर्न फॉलो करोगे ना उस काम को पूरा करने के लिए, कि पहले ये करोगे पहले वो करोगे, है ना। वो तो होगा कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो आप इस काम को करने के लिए। ऐसी नदियाँ हैं कुछ, है ना, वो कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं अपने रास्ते में, है ना। कि जैसे जो ये पैटर्न मतलब क्या है, जैसे रिवर का जो रूट है माउंटेन से निकलती है और कहाँ जाती है, सी में जाती है। माउंटेन से निकलती है और कहाँ जाती है, सी में जाती है। तो ये पूरा पैटर्न फॉलो करती है ना इस रास्ते को। तो ये कौन सा रास्ता चूज़ करती है, अब हम इसमें ये देखेंगे। तो जो रिवर होती है उसका जो पाथ होता है, द पाथ ऑफ रिवर इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन टोपोग्राफी, इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जैसे कहीं माउंटेन्स हैं, है ना, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू है, तो ये तो होता है टोपोग्राफी। तो इसी को ही फॉलो करते करते रिवर जाती है, अपना रास्ता अपने आप खुद बनाती है। कहते हैं ना हमेशा कि हमेशा अपना रास्ता हमें खुद बनाना चाहिए, है ना, दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही काम सेम रिवर करती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसे ये नहीं बताना कि भाई यहाँ से राइट ले लो, यहाँ से लेफ्ट ले लो, वो अपने आप जगह देखेगी, अपने आप बहती हुई चली जाएगी, किसी की ज़रूरत नहीं है उसी को। इसीलिए हम अपनी लाइफ में भी कहते हैं कि हमेशा अपना पाथ खुद चुनो, रिवर की भांति, है ना। तो इसीलिए जैसे माउंटेन्स पे रिवर, जैसे ये माउंटेन है, अगर मैंने यहाँ पे पानी डाला ऊपर, ये एक तरीके से माउंटेन स्ट्रक्चर मान लो, इसको माउंटेन स्ट्रक्चर मान लो। अगर मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा तो यहाँ से पानी बहेगा ना, इधर से पानी बहेगा, तो ये क्या रास्ता फॉलो किया रिवर ने, ये वाला रास्ता फॉलो किया ना, है ना, ऊपर तो नहीं जाएगी ये, तो इतना तो खैर जानते ही होगे, है ना। तो जो वो अपना रास्ता फॉलो करती है उसको बोलते हैं पैटर्न। और किस वे पे रास्ता डिपेंड किस पे होती है, टोपोग्राफी पे। जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसी टोपोग्राफी होगी, उसको वो फॉलो करते करते अपने आप चली जाएगी। जैसे कि आप लोग तो बहुत करते होगे यार क्लास में अपने दोस्तों के साथ, कभी किसी की डेस्क पर पानी डाल दिया, जहाँ बैठ रहा है वहाँ पर पानी डाल दिया, तो देखा है ना कभी कभार। तो अगर डेस्क अगर अंदर घुसी होती है तो पानी वहीं भर जाता है, या डेस्क कहीं झुकी होती है तो पानी वहीं चला जाता है। तो ये क्या है, पानी अपना रास्ता खुद अपने आप चुनता है, है ना। तो यही कुछ उसके लिए चार टॉपिक्स हैं। पहला तो है डेंड्रिटिक, क्या है जो ये पैटर्न है, पहला फर्स्ट पैटर्न है डेंड्रिटिक, यानी कि उसका ये जो रिवर है ये किस पे डिपेंड है, टोपोग्राफी पे। तो जो माउंटेन्स पे जो ये रिवर्स हैं वो एक पैटर्न फॉलो करती हैं, ये वाला इसका एग्जाम्पल है इंडस और गंगा। क्या है इसका एग्जाम्पल, इंडस और गंगा। जो दूसरा पैटर्न है वो है सेंट्रिपिटल पैटर्न, इसमें क्या होता है, ये है लेक, क्या है ये लेक, और इसमें बहुत सारी रिवर्स इसमें आके मिल गिर रही हैं, क्या है इसमें आके बहुत सारी रिवर गिर रही हैं। तो इस पैटर्न जिस जो लेक में, जैसे गांव में तो आप शायद बहुत लोग जाते ही होंगे, तो वहाँ पे पोखरें होती हैं ना, है ना, छोटे छोटे तालाब होते हैं। तो जो गाँव में बारिश होती है तो बारिश का पानी सारा कहाँ जाता है, उस पोखर में या उस तालाब में जाता है ना। तो उसको एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हो सेंट्रिपिटल का, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल है सांभर लेक जो राजस्थान में है, ठीक है। जो तीसरा पैटर्न है वो है रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न में क्या होता है, ये एक तरीके का प्लेट्यू कह लो, माउंटेन कह लो, हिल कह लो, है ना, ये है। इसमें से सेवरल माउंटेन रेंजेस निकल रही हैं, ये सॉरी सेवरल रिवर्स निकल रही हैं, ठीक है, ओरिजिनेट हो रही हैं इधर अलग अलग डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल है अमरकंठक प्लेट्यू, ये है अमरकंठक प्लेट्यू। मैप पे आप लोगों को देखना है, ये आप एक तरीके से होमवर्क है कि अमरकंठक प्लेट्यू किस स्टेट में है, ठीक है। और जो ये दो रिवर्स निकलती हैं, इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा का तो सबने नाम सुना होगा, है ना, इसका नाम है सोन, ठीक है। और जो चौथा पैटर्न है वो है ट्रेलिस, यानी कि जो रिवर हैं उनको जो बाकी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं, कहाँ से, राइट एंगल से। राइट एंगल तो सबको पता है ना क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या है, ये है राइट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है 45 डिग्री एंगल, है ना, और ये वाला कौन सा होता है 90 डिग्री एंगल। तो इसी हिसाब से मैथ्स भी पढ़ ली देखो हमने ज्योग्राफी में,
तो इसी हिसाब से हम क्या, जब उसकी रिवर्स को राइट एंगल से ज्वाइन किया जाता है तो उस पैटर्न को बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। उसका एग्जांपल है छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। तो ये जो चारों पॉइंट हैं और ये कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न और उसके जितने पैटर्न्स हैं वो लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, ड्रेनेज पैटर्न लिखना है, उसकी बुक से एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न, और जो चारों ये पॉइंट्स हैं ये लिख देने हैं, डायग्राम बना देना है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, गारंटी मेरी। ठीक है, तो हम लोगों ने ड्रेनेज पैटर्न भी समझा, है ना। अब हम कुछ ड्रेनेज की स्टेजेस मैंने बताई थी ना, ड्रेनेज की कुछ स्टेजेस होती हैं ड्रेनेज की, जैसे कि बचपन जवानी बुढ़ापा, है ना। आप लोग कौन सी स्टेज में हो? वैसे तो सब युद्ध स्टेज में ही बताएंगे, है ना, सबको वही रहता है कि जल्दी से कब युद्ध स्टेज में आए हम, है ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ऑफ रिवर। मैंने जैसा बताया था ना आप लोगों को कि जैसे कि हमारी स्टेज होती है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर थोड़े जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ऐसी रिवर की भी स्टेज होती है। स्टेज तो वैसे हर किसी की है यहाँ पे, है ना, जो भी यहाँ अपने अर्थ पर रह रहा, हर किसी की स्टेज है। ऐसी रिवर की स्टेज है, रिवर की स्टेज है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो फर्स्ट वन इज यूथफुल स्टेज, सेकेंड वन इज मैच्योर स्टेज, एंड थर्ड वन इज ओल्ड स्टेज। ठीक है, जैसे ये रिवर का मैंने पूरा पाथ ड्रॉ किया है, माउंटेन से ओरिजिन होती है ना, फिर धीरे 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 कहाँ आती है, प्लेन्स में आती है, फिर धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, सी में चली जाती है, कहाँ चली जाती है, सी में चली जाती है। तो इस पूरे पाथ को फॉलो करती है ना, तो रिवर बहुत सी चीज़ें मतलब अपनी जर्नी में जोड़ती जाती है। जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं तो हमारी जर्नी का बहुत सारा हिस्सा बनते जाते हैं ना, हर चीज़ें हिस्सा बनती जाती हैं। जैसे अगर हम बोले हम मनाली चले, हम सारे इकट्ठा होकर यहाँ दिल्ली से, तो जब हम दिल्ली से मनाली जाएंगे तो कितनी सारी मेमोरीज कलेक्ट करके जाएंगे ना, है ना। कभी ना कभी कहीं कुछ मिलेगा, पहले मूरतल के पराठे खा के जाएंगे, है ना, फिर आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कहीं कहीं देखेंगे, धीरे धीरे कहीं पहुँचेंगे, अपने साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे, है ना, कुछ लोग मिलेंगे रास्ते में हमें। तो इसी तरीके से रिवर की भी अपनी एक खुद की एक जर्नी होती है, तो वो जो जर्नी में बहुत सी चीज़ें अपने साथ करती है, है ना। तो वो क्या है, जब रिवर माउंटेन से ओरिजिन होती है तो जो माउंटेन का स्लोप है, ये माउंटेन का स्लोप है, ऐसे स्लोप होता है, ऐसे होता है ना माउंटेन का स्लोप, तो जब यहाँ से अगर वो रिवर जाती है तो उसका जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज बहाव में स्पीड जाती है ना। तो यहाँ क्या करती है रिवर, इस रिवर को क्या करती है, यहाँ पे रिवर इरोजन करती है। इरोजन यानी कि जो ऊपर की ये जो मिट्टी की परत होती है इसको इरोज करती रहती है, बिकॉज ऑफ स्पीड इतनी है भाई पानी की, तो वो जो इरोजन करती है, तो क्या करती है यूथफुल स्टेज में रिवर क्या करती है, इरोजन करती है। और इरोजन किस हिसाब से करती है, वर्टिकली। कैसे वर्टिकली, क्या होता है ये, तो जब रिवर माउंटेन का स्लोप ही ऐसा है भाई, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमेशा रिवर क्या पाथ फॉलो करती है, तो रिवर अपना पाथ फॉलो करके अपनी यूथफुल स्टेज में क्या कर रही है, इरोजन कर रही है, है ना, इरोजन करती है। फिर रिवर धीरे धीरे कहाँ पहुँचती है, प्लेन्स में आके। अब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये समथल एकदम प्लेन जगह पर आ गई है, तो अब इसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है, है ना। फिर कहाँ मैच्योर स्टेज में आ जाती है, तो यहाँ ये क्या करती है, यहाँ ये इरोजन तो करती है, उसके साथ साथ डिपोजिशन भी करती है। डिपोजिशन क्या करेगी, या डिपोजिशन करेगी जो यहाँ से, जो मैंने कहा था ना यहाँ से इरोजन करा, तो यहाँ कोई गड्ढा तो नहीं है कि उसमें जाके छोड़ देगी, है ना। तो जो यहाँ से इरोजन करके जो भी सेडिमेंट्स लाती है वो धीरे धीरे प्लेन्स पे अपने साथ डिपोजिट करती हुई चली जाती है, तो क्या कहती है, इरोजन प्लस डिपोजिशन। लेकिन यहाँ पे इरोजन लेटरल इरोजन करती है, यानी कि ऐसा इरोजन, ठीक है, यहाँ पे कैसा करती है, लेटरल इरोजन, यानी कि यहाँ साइड में, यहाँ इसके साइड में, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं कि जो नदियों का किनारा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, क्यों, क्योंकि वो हर टाइम अपने किनारों को इरोजन करती जाती है, तो वहाँ पे हमेशा कभी भी नदियों के किनारे पे नहीं खड़ा होना चाहिए, कब नहीं पता कब मिट्टी डस जाए और हम उस नदी में बह जाएँ, ठीक है। फिर ओल्ड स्टेज में आती है रिवर, अपने लास्ट स्टेज में, वहाँ क्या करती है, डिपोजिशन, यहाँ से सेडिमेंट्स लाए, थोड़े बहुत प्लेन्स में रखा है, फिर एंड में धीरे 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 जो ये फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत कम होता जाता है रिवर का, क्योंकि लोड बढ़ गया ना भाई उसका,
अब मैं तुम्हें एक सर पे एक 5 किलो की बोरी रखूं तो तुम कितनी तेज चलोगे, है ना। अब वहीं तो मेरे 20 किलो की सर पे बोरी रख दूं तो थोड़ा सा तुम्हारा फ्लो कम हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ का पहाड़ का बाहर उतार के यहाँ लाई, फिर यहाँ का भी थोड़ा बहुत इरोजन हुआ, फिर धीरे धीरे इसका फ्लो ऑफ वाटर कम होता जाता है और यहाँ पर भी ये डिपोजिशन करती जाती है, ठीक है। जो सेकेंड चीज़ है वैली डीपनिंग, जो वैली बनाती है। वैली क्या होती है? पहाड़ों के बीच में, जो दो पहाड़ों के बीच में जो एक जगह होती है, ये एक पहाड़ है, फिर एक ये एक पहाड़ है, तो इसके बीच वाली जो जगह है इसको बोलते हैं वैली। तो ये वैली क्या करती है? वैली डीपनिंग करती है, वैली को गहरा करती है। और यहाँ पे क्या करती है? वैली को वाइडनिंग करती है। यहाँ पे गहरा करेगी क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर बहुत तेज है, और यहाँ पे वाइडनिंग करेगी वैली को, इस तरीके से वैली बनाएगी अपनी, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल्स मिलते हैं ना, पॉट होल्स मिलते हैं, और मैच्योर स्टेज में मियांडर्स बनते हैं। मियांडर्स अभी थोड़ा और आगे आप चलोगे तब आपको पता चलेगा मियांडर्स क्या होते हैं, अभी तो आपको नहीं पता होगा, बस ये याद कर लो मियांडर्स। और यहाँ पे बनाती है डेल्टास, ठीक है। क्या बनाती है यहाँ पे? डेल्टास। तो ये अपनी रिवर की 3 स्टेजेस हो गई, ठीक है। मैं मैप पे अपने इंडिया के मैप पे अपने प्यारे भारत पे एक समझाता हूँ, गंगा रिवर का एग्जांपल लेता हूँ। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड स्टेट से, ठीक है। यहाँ से गंगा निकलती है और ये हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, है ना, पटना, वेस्ट बंगाल, और ये गिर जाती है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ बनाती है रिवर, ये क्या बनाती है? गंगा रिवर, सुंदरबन का डेल्टा। वो बाद में पढ़ेंगे जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये रिवर की ये वाली स्टेज है जहाँ वो माउंटेन्स में होती है ऋषिकेश से पहले, तो वो होती है उसकी कौन सी स्टेज? यूथफुल स्टेज। और ये इसकी हो गई मैच्योर स्टेज, और ये वाली स्टेज हो गई उसकी ओल्ड स्टेज। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि आपको एक मैप का समझ आ जाए, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी स्टेजेस ऑफ रिवर। अगर स्टेजेस ऑफ रिवर पर कोई भी क्वेश्चन आता है, स्टेजेस ऑफ रिवर की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना अपनी बुक में, देखना ये डायग्राम बनाना ऐसे ही सेम एज इट इज, और कुछ पॉइंट्स लिख देना कि यूथफुल स्टेज में क्या करती है, मैच्योर स्टेज में क्या करती है, और ओल्ड स्टेज में क्या करती है, ठीक है। आई होप ये सबको आपको समझ आ गया होगा, स्टेजेस ऑफ रिवर, है ना, अच्छे से। वो भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट जरूर करो, है ना, देखेंगे फिर अच्छे से, और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें रिवर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? रिवर्स के बारे में, अपना रिवर्स सिस्टम के बारे में। अब जो इंडियन रिवर्स सिस्टम है अब उसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट कंप्लीट हो गया रिवर्स के बारे में, है ना। इसके बारे में हमने क्या क्या जाना? इसमें हमने जाना स्टेजेस जाने, नहीं, सबसे पहले क्या जाना? ड्रेनेज क्या होता है। उसके बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जाना, उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न के बारे में जाना, है ना। उसके बाद हमने अभी टॉपिक जाना स्टेजेस कितनी होती हैं रिवर्स की, है ना। अब हम पढ़ेंगे अपने प्यारे भारत की नदियों के बारे में, है ना। तो वो जो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है, अपनी नदियों के सिस्टम की, इंडिया की रिवर सिस्टम के बारे में वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। आशा करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है तो कमेंट ज़रूर करो उसके लिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।